हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पहाड़ी बगिया नैनीताल में। आज मैं आया हुआ हूँ अपने अंकल के घर में और इन्होंने जो है बहुत ही खूबसूरत वैरायटी के जो है फूल लगा रखे हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले जो है हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से गुलाब जो हैं वो लगा रखे हैं। देखिए इनके यहाँ जो है वो काफी सारे गुलाब जो हैं वो खिले हुए हैं। देखिए ये कौन सा गुलाब है अंकल? पिंक कलर का गुलाब है जी जी। और देखिए ये कनस्तर को काट के आधा जी जी दो बन जाते हैं, बहुत सस्ते। और इसमें जो मिट्टी मिलाई हुई है जी, इसमें बांझ के पत्तों की मिट्टी जी जी और गाय का कंपोस्ट। अच्छा देखो और भी दिखाता हूँ। देखिए और भी जो है काफी सारे गुलाब जो है अंकल ने बहुत खूबसूरत लगा रखे हैं और बहुत ही बढ़िया जो है ये ब्लूम हो रहे हैं। तो इनको आप केयर कैसे करते हैं, कुछ आप बताइए मुझे इनके बारे में। ये देखिए गुलाब तो मांगता कटिंग जी जी, जितना छोटा करेंगे गमले में, गमले के अकॉर्डिंग रखें, बढ़ने न दें, ज्यादा काट दें जी। नवंबर के महीने में जाड़ों में तो गुलाब आपका बढ़िया आएगा, फर्स्ट क्लास। आपने देखें ये कलियां, तीन तीन कलियां एक जगह आ रही हैं और कितना सुंदर है देखें, ये कितना गुच्छा एक बंच बना हुआ है इनका पूरा। आपने मिट्टी कौन सी इस्तेमाल कर रखी है इसमें? मिट्टी बांझ के पत्तों की जो जंगल में मिलती है, ह्यूमस। अच्छा अच्छा। और सॉइल ह्यूमस और बर्मी कंपोस्ट का मिश्रण है इसमें। और खाद आपने? और जो कीड़े लग जाते हैं, कीड़े के लिए हम तो गौमूत्र का यूज करते हैं जी जी जी, 50-50 आधा गौमूत्र आधा वो पानी और इन पे छिड़काव करते हैं। तो उसका इफेक्ट होता है, कीड़े खत्म हो जाते हैं उससे? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। ये देखिए अंकल ने जो है बहुत ही प्यारे प्यारे गुलाब जो है वो अपने गार्डन में लगा रखे हैं। देखिए मैं आपको, ये पीला गुलाब है, देखिए कितने ज्यादा आए हुए हैं बंच, वो देखिए कलियां देखिए बर्ड, ये बर्डिंग आ रही खूब। ये देखिए मैं आपको और भी गुलाब दिखाता हूँ। ये देखिए एक ये पिंक कलर में, ये बटन गुलाब है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से जो है अंकल ने गुलाब के पौधे लगा रखे हैं। देखिए ये भी एक बहुत ही खूबसूरत कलर लग रहा है। ये देखिए ये गुलाबी कलर का है जी जी। इसको भी आपने कटिंग से ही ग्रो करा? ये बटन है जी, ये बटन गुलाब है, देखिए अलग अलग किस्म में, ये लाल है और ये गुलाबी है। तो गुलाबों का शौक है, ज्यादा गुलाब ही मिलेंगे आपको। ये देखिए अंकल ने जो है काफी सारे गुलाब जो है अपने गार्डन में लगा रखे हैं। ये देखिए ये गोल्डन कलर में है, देखिए गोल्डन कलर का भी। मेरे वहाँ इसको 30 साल हो गए सारे। ओ बाबरे। हाँ रियली, ये मरने के कगार में था, पौधों के बीच में नीचे जी 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 जी, तो गमले में लगा दिया जी। ग्रो कर रहा है, बहुत काट के फेंक देता हूँ, कटिंग बनाता नहीं हूँ, कटिंग बनाए तो कितनी गुलाब हो जाए। ये वाला गोल्डन कलर का बहुत सुंदर आता है। ये देखिए पिंक गुलाब जी भी जो है वो काफी अच्छे फूल दे रहा है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से जो अंकल ने इनको घर पे लगा रखा है। और घरी के जो कनस्तर होते हैं, ये डायरेक्टर साहब के वहाँ की कटिंग है ये जी जी, बिल्कुल जो घर के कनस्तर वगैरह होते हैं उसी का ही अंकल ने इस्तेमाल कर रखा है। सस्ते गमले, बिल्कुल मिलती पौधे को उसके लिए वो बढ़ने के लिए ना इस पर जी जी जी, इसको जितना चाहिए होता उतना मिल जाता। और गुलाब की खासियत उसको कटिंग करो और बोना करेंगे और अच्छा फूल आएगा, दो ही फूल चार फूल आएंगे लेकिन बहुत सुंदर। हाँ वाइट गुलाब है, इसके काफी लोग दीवाने, देखे कितने कलियां आई हुई हैं, सबसे अच्छा, बहुत से लोग मांगते हैं इसको, कहते हैं यार इसकी कटिंग दो बहुत सुंदर फूल, और देखे कितनी कलियां आई हुई है देखे ये। और खासियत नवंबर अक्टूबर नवंबर तक पूरा फ्लावर देगा, आते रहेंगे तो इससे बढ़िया तो कोई फूल ही नहीं है। ये सिंदूरी कलर का गुलाब है देखे, ये क्या सुंदर, बहुत सी बडिंग आ रही है, कितना सुंदर गुलाब है ये। ये देखिए व्हाइट कलर का, ये देखिए इसके पत्तियों में अंतर मिलेगा, डिफरेंट उस पत्तियों में, इसमें अलग गुलाब है। और ये क्रीम कलर का है देखें, क्रीम कलर का गुलाब आपको अपना आप ही दिख रहा है जब खुलता है क्रीम कलर। और ये है कलेजी कलर का, ब्राउन कलर का कलेजी, ये देखिए क्या सुंदर आ रहे हैं। ये वेस्ट डिब्बे जो होते हैं उनमें बो दिया जाता है। पीला गुलाब शायद इसको मैं कर नहीं पा रहा हूँ मेंटेनेंस, और कुछ हवा का असर भी हुआ, पानी नहीं दे पाए थे, भूल गए थे इसको पानी देना। और ये है बैगनी कलर का, बन जा रहे हैं, फूल गिर गए हैं हवा से, बहुत सुंदर गुलाब है। तो देखिए मैं अंकल से पता करते हैं कि अंकल कैसे जो है गुलाब को लगाते हैं और इसकी केयर कैसे करते हैं। तो अंकल बताइए आपने इतने खूबसूरत गुलाब जो है वो कैसे ग्रो करे हैं? कटिंग से, गुलाब के लिए कटिंग ले आई है, और सावन के महीने बोए तो बहुत अच्छा होता है। सावन बोला अगस्त सितंबर जुलाई के महीने कटिंग लगाए, 100% सक्सेस।
लेकिन कीड़ा लगने का डर रहता थोड़ा। उसके क्या करें, कटिंग के ऊपर थोड़ा सा मोम टपका दें ताकि उसकी पूरी जल्दी से वो रहेगा। अगर बडिंग से, अब मैं सोच रहा हूँ कि बडिंग से एक गुलाब में कई गुलाब लगाऊँ अलग अलग रंग के, एक बंच एक गुलदस्ता बढ़िया बने। गुलाब के लिए क्या है, मिट्टी ह्यूमस तो बहुत अच्छी होती है और बर्मी कंपोस्ट दो चीज़ दीजिए, और बाकी गौमूत्र। गौमूत्र ऐसा भी है, अगर इसके जड़ में भी कीड़ा लग रहा है किसी पौधे के, गुलाब के भी, गुलाब में बहुत कीड़ा लगता है, तो उसमें आप गौमूत्र का यूज 50-50 में करता हूँ, बाकी तो बाजार से लाता नहीं हूँ। और कटिंग को हमेशा ऊपर से मोम लगा लें, मोम ये काट, ये कटिंग बो रहे हैं हम, ये इसके ऊपर मोम टपका दें ताकि इसकी ऊर्जा इसके अंदर ही रहेगी, जड़ जल्दी देगा, नहीं तो रूटेक्स का यूज करना पड़ेगा। रूटेक्स अगर जाड़ों में आपने कटिंग बनानी, अगर आपके पास शेड बना हुआ है तो जाड़ों की कटिंग 100% ज्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। जाड़ों में बनाते हैं कटिंग किसी पूछ के, उसके लिए रखने के लिए शेड बना होना चाहिए हमारे पास, जहाँ पाला वगैरह ना लगे। और बारिश से गुलाब को कुछ होता ही, गुलाब और ग्रो कर रहा है, बारिश में खूब ग्रो कर रहा है। कटिंग जरूर मांगता है, कटिंग दीजिए, जितना गुलाब खिल के ख़त्म हो रहा है उसको कटिंग, एक खिल जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं इनको काट दूंगा, फिर आएंगे इसमें, और ये आते रहेंगे, एक सिस्टम चलता रहेगा अक्टूबर नवंबर तक, और फरवरी से खिलना शुरू हो जाता है गुलाब, थोड़ा थोड़ा खिलता है। उसके बाद इस समय तो अपने पूरे जवानी में है समझिए गुलाब इस समय, और बरसात में भी देगा खूब, पानी थोड़ा कम वो कर देता है, इसको पत्तियों को गिरा देता, फूलों को कर देता, और कीड़ा बहुत लगता गुलाब में, इसकी पत्तियों को खाने वाले कैटरपिलर बहुत लगते हैं, वो कैटरपिलरों के लिए मैंने तो दवाई यही खोज रखी है। और मैं ऐसा भी करता हूँ, जिस गमले को मैं बदलना नहीं चाहता हूँ, खाद नहीं दे पा रहा हूँ, कंडे जो होते हैं वो कंडे, इसके वो कंडे थोड़े टुकड़े करके रख दीजिए, उसका रस जाता रहेगा, इसको फीड मिलता रहेगा, रोटी समझो उसको, छोटे छोटे टुकड़े। आजकल कंडे मैंने यहाँ से गदरपुर भी भेजे भाई के पास, वो बोला यार खाद मैं कहाँ से लाऊँ, तो मैंने कहा ये कंडे ले जाओ, वो कंडे ले गए और कंडे काम कर रहे हैं पूरा, ये मेरा अपना अनुभव है। सूखे कंडे रख दिए और उसमें डालते रहिए आप पानी, पानी के साथ उसका अर्क जाता रहेगा, और पौधे को जड़ में तो चाहिए, बाकी तो डाइवर्स हो जाता बाहर को पानी। और गमला बनाना, गमले को अच्छी तरीके से नीचे कम से एक लेयर रूढ़ी की होनी चाहिए, उसके ऊपर बारीक रेता होना चाहिए ताकि उसकी जो हमारी खाद है वो एकदम बह न जाए, और बिल्कुल पानी अगर पानी की निकासी नहीं होगा तो भी सड़ जाएगा, सड़न पैदा हो जाती है इसके अंदर गमले में, खास तौर पे ज़मीन में तो तब भी सह लेता, लेकिन अगर गमले में है तो उसमें आपको एक गमले के अकॉर्डिंग बनाना है, दूसरा गमले के नीचे पानी ना रुके गमले में किसी कीमत में, पानी डाइवर्स हो जाए। और हमेशा शाम के टाइम पानी दीजिए, रात भर पौधा मजे में रहता, मस्ती में रहता, इसमें सब जीवन है, प्राण है, तभी तो ये देखिए बच्चे हैं, खेल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, है नहीं। और जिस तरीके बाल काटते हैं उस तरीके से इनकी कटिंग जरूर कीजिए, कटिंग नहीं करेंगे तो गुलाब कुछ समय बाद क्या होगा, गुलाब तुलसी वाला हिसाब हो जाएगा, कटिंग नहीं करी हुई है तो तुलसी देखेंगे, अगर नहीं करें तो इसमें नहीं बढ़ आ रही, उसको छोड़ दें बाकी काट दें, तुलसी और अच्छी होगी।